अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं 7-in-1 कैलस रिमूवर एंड मसाजर मशीन की अनबॉक्सिंग कर चुका हूं और उसके अनबॉक्सिंग के दौरान मैंने आपको ये बात बताई थी कि पेडिक्योर करना क्यों ज़रूरी होता है। इसी तरह मैनीक्योर यानी हैंड स्किन केयर और फेशियल स्किन केयर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए आज मैं जो प्रोडक्ट अनबॉक्स करने जा रहा हूँ वो है कनायर ब्रांड की ओरिजिनल प्रोडक्ट 11-in-1 मल्टी फंक्शन कैलस रिमूवर एंड मसाजर मशीन। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है ये डिवाइस। ये बेसिकली कनायर ब्रांड की ओरिजिनल प्रोडक्ट है और इसके कनायर ने डिफरेंट नेम रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 11-in-1 फेस ब्यूटी डिवाइस, 11-in-1 मसाज ब्यूटी डिवाइस, 11-in-1 मल्टी फंक्शन डिवाइस, नर्स स्पेशलिस्ट डिवाइस, तो इसके मल्टीपल नेम्स हैं। इस तरह एक कैलस रिमूवर एंड मसाजर भी इन्होंने नीचे लिखा हुआ है। तो बेसिकली पहले मैंने जिस मॉडल की अनबॉक्सिंग की थी वो था AE8783। तो ये मॉडल है AE8783A। ऐसे इन्होंने इसके जो हेड्स हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। चलें बॉक्स को ओपन करते हैं। ये देख सकते हैं कि इसके अंदर इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ है बॉक्स के। ये देखिए कुछ इस तरह से ये डिवाइस बॉक्स के अंदर पड़ी होती है। इसको आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं इस बॉक्स की वजह से। इसमें आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइस पड़ी हुई है। ये बेसिकली मेन डिवाइस है जिसके साथ हम हेड्स चेंज करके मल्टीपल फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि आप वाकई ये कनायर ब्रांड की ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो इसका एक माइनर सा आइडेंटिफिकेशन फीचर है कि इसके ऊपर ये ग्लॉसी मैरून से कलर का पेंट हुआ होता है। तो जो भी आप अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो लाजमी चेक करें कि उसका कलर ये है कि नहीं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसी तरह से ऑफ, लो और हाई का बटन है। ऑफ पे डिवाइस ऑफ हो जाती है, लो पे इसकी स्पीड थोड़ी मीडियम सी रहती है, हाई पे स्पीड उसकी जो रोटेशन की है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। ये एक ब्रश लगा हुआ है इस पर सॉफ्ट सा। चलिए आप चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से हेड्स दिए हुए हैं। ओके, सबसे पहले ये देखें, एक स्पॉन्जी टाइप का फोम है। अच्छा, ये पोरस फोम है और ये मेरे ख्याल से मेकअप के लिए यूज़ होता है। आप फेस पे मेकअप वगैरह ऐसे कर सकते हैं, इसी तरह हैंड स्किन पे भी मेकअप वगैरह के लिए ये यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट इसमें ये ब्रश पड़ा हुआ है। ये ब्रश उसी तरह है जैसे ये ब्रश इसको लगा हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से इन्होंने साथ एडिशनल एक ब्रश दिया। अगर आपका ये ब्रश ख़राब हो जाता है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर इसकी शेप देखें तो इस ब्रश और उस ब्रश की शेप में थोड़ा डिफरेंस है। इसकी जो सर्फेस है आगे से, अगर कैमरा में आपको सही नज़र आए तो ये थोड़ी राउंड सी सर्फेस है इस ब्रश की आगे से, और इसकी बिल्कुल प्लेन सर्फेस है। नेक्स्ट इसके अंदर ये प्यूमिस रॉक, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये पोरस रॉक बेसिकली यूज़ होता है डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए, हार्ड स्किन सेल्स जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए सरफेस से। तो इसकी शेप बेसिकली कुछ इस तरह की बनाई गई है कि ये आप ऐसे कॉर्नर्स पर भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये आगे आ गया जी मसाजर हेड। ये बड़े ही मज़े की चीज़ है। ये मैं जो दूसरी मसाजर मशीन की अनबॉक्सिंग की थी तो तब भी मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया था। ये इसके चार राउंड बॉल्स हैं इसके ऊपर, और ये देखें ये प्रॉपर रोटेट होते हैं जब आप इसको सरफेस के ऊपर मूव करते हैं, तो आप इसे स्किन को मसाज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बेसिकली इस मसाज की वजह से ब्लड सर्कुलेशन आपकी बेहतर होती है। आगे ये एक और पिंक कलर का प्यूमिस रॉक टाइप का मटेरियल है, इसके ऊपर भी ये देखें ये पोरस टाइप का रॉक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की है कि ये जितनी भी इसके साथ हेड्स हैं उनको काफ़ी केयर के साथ बनाया गया है, मीन कि वो स्किन के लिहाज से बनाई गई हैं कि स्किन डैमेज ना हो सके। तो इसके ऊपर भी ये रफ़ सर्फेस है लेकिन इतनी रफ़ नहीं है कि आपकी स्किन को डैमेज हो सके कोई भी। ये आप सैंड पेपर की तरह की सरफेस है, लेकिन इसके ऊपर भी सैंड पेपर अगर आपने देखा हो तो उसके ऊपर जो ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, जो कि अगर मेरे ख्याल से स्किन पे यूज़ हो तो स्किन को काफ़ी डैमेज करें। लेकिन इसके ऊपर ये बड़े छोटे छोटे से साइज़ में ग्रेन्स हैं, तो ये स्किन को डैमेज नहीं करेंगे, बल्कि जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड सर्फेस होती है जैसे पाँव पे कैलसिस वगैरह होते हैं, या कभी कभी आपकी जो फिंगर्स होती हैं उन पर कैलसिस बन जाते हैं, टोज पर कैलसिस बन जाते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब ये आप चेक कर सकते हैं, ये एक नया हेड है जो मैंने पहली बार देखा है। इसके ऊपर ये शीट चढ़ी हुई है, इसको उतारते हैं। अब ये मेटेलिक सरफेस है मेरे ख्याल से, लेकिन ये नेल्स की फॉइलिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा ही आपने अगर देखा हो नेल कटर्स के ऊपर भी
छोटा सा एक पीस लगा होता है ऐसे मेटल का जिसके साथ आप शेप कर सकते हैं नेल्स को, तो उसी तरह ये भी बड़े साइज में उसका वर्जन है, लेकिन ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का हेड है। लास्ट वन की तरह ये भी मेटेलिक सरफेस है, इसके ऊपर ये शीट चढ़ी हुई है, लेकिन इसके ऊपर आप देखें जरा शेप डिफरेंट है थोड़ी, और ये शार्प भी थोड़ा ज़्यादा है। जो इसके अंदर हेड्स पड़े हुए हैं ना, तो उससे कैलिसिस रिमूव करना, वार्ट्स रिमूव करना, कॉर्न्स रिमूव करना तो नहायत ही आसान है। ये अगेन एक फोम टाइप की चीज़ है, लेकिन ये फोम नहीं है, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि पहले ऑलरेडी एक फोम इसके अंदर पड़ा हुआ है स्पॉन्जी टाइप का, तो इसके अंदर तो पोर्स थी, लेकिन ये कुछ रबरी टाइप का मटेरियल है। इसके अंदर आप देखते हैं तो इसके अंदर पोर्स भी हैं, लेकिन इसके अंदर कोई पोर्स नहीं है, और दूसरा ये रबर का मटेरियल है। ये दोनों कुछ फोम्स हैं, लेकिन इनके मटेरियल्स डिफरेंट हैं और उनका डेफिनेटली फीचर्स भी डिफरेंट होंगे। ये पाउडर टाइप कुछ मेरे ख्याल से स्प्रेड करने के लिए यूज़ होता होगा, और ये फाउंडेशन, कंसीलर और मेकअप जो होता है वो स्प्रेड करने के लिए होता होगा। आगे ये आप देख सकते हैं ये हेड है, आप ये मेरे ख्याल से स्किन को स्मूथ करने के लिए यूज़ होता है। ये देखें इसके साथ दो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, अगर ये ख़राब हो जाती है इसकी सरफेस तो आप ये लगा सकते हैं इस पर। चलें अब मैं डिवाइस के अंदर सेल्स डाल के चेक करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर 2AA साइज बैटरीज पड़ती हैं जिन्हें सेल्स भी कहते हैं, तो वो नॉन रिचार्जेबल सेल्स बेसिकली पड़ते हैं। अच्छा, इस बॉक्स के अंदर जो है वो सेल्स पड़े नहीं होते, आपको खुद परचेज करके इसके अंदर डालने पड़ते हैं। अब मैं डिवाइस को ऑन करता हूँ, पहले लो स्पीड चेक करते हैं इसकी कितनी है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं ये इसकी लो स्पीड है। अब इसकी स्पीड हाई करते हैं। ओके, तो इसकी स्पीड तकरीबन उससे डबल हो गई है लास्ट वाली स्पीड से। मुझे ये प्रोडक्ट तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक तो ये छोटी सी डिवाइस है, काफ़ी हैंडी है, पोर्टेबल है, आप इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये बेसिकली 1000 रुपीज़ की अभी मिल रही है, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो टाइम के साथ साथ वेरी हो सकती है। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसके हेड रिमूव करने का तरीका बहुत ही आसान है, इसको आप पुल आउट करेंगे तो ये देखें हेड निकल आता है बाहर, और इसकी जगह आप न्यू हेड यहाँ पर लगा सकते हैं पुश करके अंदर की तरफ। मैं अभी अपने हाथ के ऊपर कोई लोशन वगैरह या कोई क्रीम लगा के ठहरे आपको दिखाता भी हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से क्रीम को पूरे हाथ पे स्प्रेड कर दिया इसने, और कहीं भी आपको ये अनइवन सरफेस नहीं नज़र आ रही होगी यहाँ पे कहीं भी कि ज़्यादा क्रीम लगी है और कहीं कम। तो ये मेकअप करने वालों के लिए तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इसी तरह मैं मसाजर की भी डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ। अच्छा, ये बड़ी कंफर्टेबल फीलिंग देता है मसाजर आपको, बड़ा मैं तो कहता हूँ कि जब भी आप थके हुए फील करें तो ये मसाजर पास ही होना चाहिए। इसे नेक मसाज, फेस मसाज, आम मसाज कर सकते हैं आप आराम से। अच्छा, एक और बात जो मैंने लोगों के रिव्यू के अंदर भी पढ़ी थी कि यार काफ़ी लोगों ने मेंशन किया हुआ था कि जनाब इसकी स्पीड बहुत स्लो है, तो यार ये स्लो स्पीड है, इसको देखो, ये आपने अपनी स्किन पे यूज़ करनी है, कोई दीवार पे थोड़ी यूज़ करनी है कि जनाब रगड़ के सब कुछ उतर जाएगा। तो स्किन के हिसाब से ये काफ़ी एर्गोनॉमिक डिवाइस बनी हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी 11-in-1 कैलस रिमूवर एंड मसाजर मशीन की अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी मर्जी की कोई प्रोडक्ट अनबॉक्स करूं तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।